हफ्ते के आखिरी दिन स्वागत किया जाए हमारे सभी मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सचिन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है सीमेंस लिमिटेड के काउंटर में। पिछले 3 हफ्तों से ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा कंसोलिडेशन बैंड में था, लगभग अराउंड 6650 से लेके 7040 के रेंज में इसने अच्छा कॉन्ट्रैक्शन दिखाया था एंड वहां से एक एक्सपेंशन की उम्मीद की जा रही है। जिस तरीके से इसका डेली आरएसआई अभी 50 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, ऑलमोस्ट एक महीने के बाद ये पर्टिकुलर रीडिंग आई है एंड प्लस प्राइस पे कहीं जाकर पिछले हफ्ते में ही एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ रहा था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो फ्राइडे के वेनसडे के सेशन में शॉर्ट कवरिंग हुई है, मुझे लग रहा है उसी का एक अच्छा एक्सटेंशन बनना चाहिए। सो टेक्निकली 7240 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी सीमेंस लिमिटेड के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 7020 पे लगाना है। ओके, सीमेंस लिमिटेड, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आती दिखे। आइए आइए, सचिन जी के पास भी एक कॉल है बिगुल उनके लिए बीटीएसटी का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर लुपिन के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है एंड जिस तरीके से पिछले 3 दिनों के डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर की ओपनिंग है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होना चाहिए। वापस स्टॉक अपने लाइफ हाईज के आसपास स्विंग करेगा। इंटरमीडिएट टारगेट होगा इमीडिएटली अराउंड 2155 का। स्टॉप लॉस आपको 2088 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है लुपिन के फ्यूचर्स में। तो लुपिन पर रखिए नजर। आईटी, ऑटो और फार्मा, यहां पर एक्शन आपको आते दिख रहा है। 24,350 के पार आपको निफ्टी भी इस समय जाते हुए दिखाया। आइए बाप, तैयार है सचिन जी, एक बिगुल उनके लिए तैयार है बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, आईटी स्टॉक्स में ही अच्छा मोमेंटम है। वहां पर नौकरी ने भी पिछले 4 दिनों का क्लस्टर ब्रेकआउट दिया है। जिस तरीके से डेटा है, लगभग 7700 तक की अपमूव यहाँ पर एक्सटेंड होनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से 7510 का टारगेट होगा। खरीदारी करनी है नौकरी के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 7288 पर। ऑल राइट, तो इन्फो एज यहां पर करनी है आपको खरीदारी सच जी की तरफ से। बाय डिक्सन टेक, ये एक और काउंटर है जहां पर अच्छी मूव आ रही है। करीब 3% ऊपर डिक्सन टेक का चार्ट इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। सच जी, एक बार डिक्सन टेक का चार्ट देखें सर और बताएं क्या करना है। 12,250 के लेवल पर है, पॉजिटिव रुझान है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है इस समय सर। दीपांशु, काफी शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट एक अच्छे करेक्शन की इसमें जरूरत थी, वो करेक्शन काफी अच्छी तरह फेज आउट हो चुका है एंड 11,000 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी ग्रेजुअल अपमूव यहाँ पर ट्रिगर हो रही है। तो मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 13,000 के पार भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइंस आते भी है तो 12,000 के पास एक अच्छा एलिवेटेड सपोर्ट बन चुका है। तो स्टॉप लॉस आप 11,780 के आसपास लगाए ऑन अ डिक्लाइन अक्यूमुलेट करें 13,600 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त डिक्सन टेक पर आती हुई। आइए सचिन जी भी तैयार है अपनी 10 की कमाई का एक बेहतरीन शेयर लेकर। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करनी है अभी हिंद कॉपर के काउंटर में। एक अच्छा करेक्शन यहाँ पर पिछले 4 महीनों से ऑनगोइंग है एंड कहीं जाकर एक जो ब्रेकआउट हुआ था 12 साल के कंसोलिडेशन का, उसका यहाँ पर एक पुलबैक अच्छी तरह बना है। 300 लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, उसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एंड जिस तरीके से ये 12 साल का अक्यूमुलेशन पैटर्न है, उसके प्रोबेबल टारगेट लगभग अराउंड यहाँ से भी 50-60% ऊपर ही है। टेक्निकली देखा जाए तो पैटर्न का टारगेट लगभग अराउंड 520 के आसपास प्लेस्ड है। सो ऑन अ डिक्लाइन अप टू 285 यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी हिंद कॉपर के काउंटर में। आपको अक्यूमुलेट करना है धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 274 के वीकली बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको रिटेन करना है 520 के पोजिशनल टारगेट के लिए। पोजिशनल टारगेट के लिए हिंदुस्तान कॉपर में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 10 की कमाई के तौर पर बड़े टारगेट से
520 के टारगेट तो बड़े ही माने जाएंगे, क्योंकि अभी 300 पर यानी 300, 200, 500 यानी करीबन करीबन आप समझ लीजिए 75-80% की अपसाइड आपके लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान कॉपर में बन सकती है। लेकिन इस वर्ष इस सब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज सुबह हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए। पालविया साहब, जैन साहब सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश जी, कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स अमरीश सर आज हमारे साथ एसपीएल मिड कैप्स में पालविया साहब का साथ देने के लिए। शो का समापन रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। जय हिंद।